न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। यूपी में आत्मनिर्भर अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्चिंग, कहा 125 करोड़ प्रवासी मजदूर को मिलेगा रोजगार, बनेंगे आत्मनिर्भर। गोरखपुर से योजना के लाभार्थी से भी की बात, कहा छोटे से ही बड़ा बनता है आदमी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक, एयरपोर्ट एवं महानगर में ओला टैक्सी चलाने पर हुई चर्चा, कहा रोकें ओवरलोडिंग, नियमों का पालन नहीं करने वालों की परमिट करें निरस्त। शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वे कराने के नाम पर हुई ठगी, कंपनी लोगों का पैसा लेकर हुई फरार, इन्वेस्टरों ने असुरन चौक पर लगाया जाम, की कार्रवाई की मांग। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा, कहा बढ़ाया जाए टेस्टिंग की क्षमता। फर्टिलाइजर परिसर में स्थापित होगा सीपेट, युवा को दिया जाएगा निशुल्क प्रशिक्षण, डीएम ने कहा युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सीपेट में दिया जाएगा ट्रेनिंग, प्लास्टिक उद्योगों में दिलाया जाएगा प्लेसमेंट। 1 लाख रुपए के सरकारी विद्युत केबल के साथ एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंट ने किया खुलासा, भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के खूनीपुर हट्टी माता के स्थान तथा एडीजी जोन के कार्यालय को किया गया हॉट स्पॉट घोषित, एडीएम सदर ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ ताल पुलिस ने 6 लाख रुपए की ठगी के सामान और करीब 95,000 रुपए के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, सीओ कैंट ने किया खुलासा। जनपद में टिड्डियों की संभावित हमले को देखते हुए एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, कहा किसानों की फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए किया गया है टीम गठित, शोर मचाकर भी टिड्डियों को भगा सकते हैं किसान। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 296 जबकि 190 हो चुके हैं डिस्चार्ज, 11 लोगों की हो चुकी है मौत, एक्टिव केस 95, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम के द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की गई जांच, जिससे न होने पाए कोई दिक्कत। और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट, एडीएम फाइनेंस ने कहा बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जिला प्रशासन।